स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर बेरोजगार युवा पहुंचे हुए हैं। युवाओं ने शहीद स्मारक पर बैठकर नारेबाजी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी कल हुई उन सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध लगातार जारी। शहीद स्मारक के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। रिहाई की मांग को लेकर लगातार ये इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए, गिरफ्तारी जिनकी कल हुई है उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर बेरोजगार युवा पहुंचे हुए हैं और लगातार ये नारेबाजी यहाँ पर रिहाई को लेकर कर रहे हैं। देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का बयान सामने आया है। युवाओं से शांति बनाए रखने की वो अपील कर रहे हैं और किसी ने कानून के उल्लंघन की कोशिश की तो उन पर कार्रवाई होगी, एसएसपी कह रहे हैं। पुलिस माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान लगातार कर रही है। फुटेज के आधार पर हुड़दंग करने वालों की पहचान की जा रही है। आह्वान निवेदन है कि धारा 144 लगाई गई है, इसका उल्लंघन न करें, किसी प्रकार के अफवाह में न आए। बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी गलत चीज़ों को गलत ढंग से पुरोस करके उसको अफवाह के रूप में प्रसार प्रसारित कर रहे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और कानून को किसी को भी अपने मतलब व्यवस्था खराब करने की इजाज़त नहीं है। कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग प्रदान करें। इसमें धारा 144 का जो भी उल्लंघन करेगा हम कार्रवाई करेंगे। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बेरोजगार युवा बेहद गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं के अभिभावक भी अब सड़क पर उतर आए हैं। देहरादून में लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। दो तस्वीर, एक तस्वीर में युवा आपको दिखाई दे रहे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपने हक को लेकर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इन युवाओं के परिजन भी सड़कों पर उतर आए हैं। अभिभावक हैं बड़ी संख्या में, जो युवा सड़कों पर उनके अभिभावक भी सड़कों पर उतर आए हैं और वो भी पारदर्शी परीक्षा की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए, इसी को लेकर युवा धरने पर शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ युवाओं के परिजन भी बेहद आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक मामले पर सड़क पर बेरोजगार युवा, अब उनके अभिभावक भी सड़क पर उतर आए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसएसपी और एसपी सिटी का घेराव किया गया। शहीद स्मारक से एसएसपी और एसपी सिटी को वापस भेज दिया गया, ये जानकारी देहरादून से खबर। राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसएसपी और एसपी सिटी का घेराव यहां पर किया गया। खबर है कि शहीद स्मारक से एसएसपी को और साथ ही एसपी सिटी को वापस इन युवाओं ने भेज दिया। लगातार आंदोलन ये कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं और साथ ही नकल विरोधी कानून जल्द से जल्द बने, ऐसी इनकी डिमांड। और अब देखिए जिनकी कल गिरफ्तारी हुई उनकी रिहाई को लेकर भी शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं कि हालात वहां पर बने हुए, ताजा स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। पंकज मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं देहरादून से। पंकज, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा और शहीद स्मारक पर जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई को लेकर ये युवा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंकज। बिल्कुल दीपा, देखिए तमाम जो युवा हैं वो बैठे हुए हैं। सुबह 9:30 बजे के करीब तमाम जो युवा हैं यहाँ पहुँच गए थे। उनका ये कहना है कि कल जो पुलिस द्वारा लाठी उन पर भांजी गई थी, लाठियाँ जो की गई और तमाम जो युवाओं को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की जाए। एसएसपी देखिए सामने तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, वो यहाँ खड़े हुए हैं और ये एसएसपी ने सभी से ये मांग की है कि आपकी वार्ता शासन स्तर पर की जा रही है तो आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों ने इनका विरोध कर दिया है। इनका ये कहना है कि ये राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है, जमीन है और यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन सांकेतिक तौर पर कर रहे हैं तो आपको यहां से उनको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो क्योंकि यहां पर जो उपनेता प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी वो समर्थन देने आए हैं तो इसको राजनीतिकरण ना किया जाए, इसीलिए ये कोशिश की जा रही थी कि राजनीतिक तौर पर यहां लोग ना आए और जो युवा है वो प्रदर्शन करते रहे अपना। लेकिन क्योंकि भीड़ बढ़ गई है लगातार और पुलिस ने भी अपना जो बल है वो यहां पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था बाहर की साइड में, बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उनको यहां तैनात कर दिया। लेकिन एक बड़ी बात मैं बता दूं दीपा कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी किसी
की भी नेम प्लेट उनकी वर्दी पर नहीं है। ये मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, कल भी ऐसा हुआ था। इन युवाओं ने ये आरोप लगाए थे कि जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पर लाठियाँ चला रहे थे उन पर उनकी किसी की भी नेम प्लेट नहीं है। अभी भी आप देखिए तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा, किसी भी पुलिसकर्मी की कोई नेम प्लेट नहीं है उनकी वर्दी पर। और ये क्योंकि शायद ये रणनीति क्यों पुलिस ने बनाई होगी इसको नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अभी किसी भी पुलिसकर्मी की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं नजर आ रही है। और ये आक्रोश युवाओं में इसी बात को लेकर है कि जब एक रूल है और उनकी नेम प्लेट उनकी वर्दी पर होती है तो यहाँ प्रदर्शन में उन पुलिसकर्मियों को नेम प्लेट क्यों हटाई जा रही है। ये एक नाम पहचान छिपाने के लिए सब किया जा रहा है। फिलहाल तमाम युवा हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या अभी आपने देखा है और क्या पुलिस कह रही है आपसे कि उठो यहाँ से, क्या आप मांग कर रहे हैं? सर हम तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथी जितने भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं सबसे पहले उनको छोड़ा जाए और उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए जाएँ वो हटाए जाएँ, ठीक है। और हमारा एक दल डीएम सर से डीएम मैम से मिलने जाएगा और उनके समक्ष और जो शासन के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेगा। डीएम आई थी, उन्होंने आपको कहा है कि आपका एक डेलीगेशन वहाँ जाएगा, आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, तो आप थोड़ा सा क्यों नहीं वो कर रहे हैं कि क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? सर हमारा एक दल गया है उनसे बात करने डीएम मैम से और अपनी मांगे उनके सामने रखने भी गया है। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि बॉबी पंवार और अन्य साथियों को कि छोड़ा जाए, उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं उन सबको हटाया जाए। और भी एक युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप आइए भैया, बताइए क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि पहले शांति तरीके से आपको शासन की बात सुन लेनी चाहिए? सर हमने शांति से ही सुना और ये अभी इस साल की बात नहीं है, काफ़ी टाइम की बात है। मैं भी 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, लास्ट टाइम जो हमने भर्तियों में जो एक नियुक्ति होती है कि हमने पेपर दिया और उसकी जो है नियुक्ति हो चुकी, वो सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की थी। इसके बाद कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें नियुक्ति मिल चुकी हो। ठीक है, क्या क्या कहा था? डीएम अभी आए थे, बार एसोसिएशन के लोग आए थे, राज्य आंदोलनकारी आपके साथ खड़े हुए हैं, अभी क्या कह रहे हैं? एसएसपी आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ से उठने के लिए कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली ये लड़ाई आज हमारे सिर्फ छात्र हित की नहीं रह गई है, ये हमारे व्यक्तिगत हित की नहीं है, ये लड़ाई जो है आज राज्य हित की बन चुकी है सर। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य आंदोलनकारी भी हमारे साथ हैं, छात्र भी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आज राज्य को बचाने की लड़ाई हो चुकी है सर। जिस हिसाब से यहाँ पे करप्शन हो रहा है, हर वैकेंसीज बेची जा रही है सर, 2016 से अभी तक की वैकेंसीज में ये लगा लो, जिन पुलिस वालों ने कल लाठी चार्ज किया है उन पर ही खुद SIT बैठी हुई है। उन पुलिस वालों के 20 के नाम खुद लिस्ट में आ चुके हैं कि ये गलत तरीके से अनुचित साधनों के तरीके से। आप इस तरह से कब तक अपना आंदोलन करते रहेंगे? क्या आपका डिमांड, क्या आप कहने की पंकज? देखिए कल जिन्होंने भी लाठीचार्ज इन पर किया, बेरोजगार युवाओं पर किया, उन पर भी जांच बैठा दी गई है, उन पर भी जांच हो रही है। और ये कह रहे हैं कि जब तक जो गिरफ्तार हुए हैं इनके साथी वो रिहा नहीं हो जाते हैं, यहाँ से ये लोग जाएंगे नहीं। आप रहे हमारे साथ देहरादून से। अगली बड़ी खबर है, गुरुवार को हुए बेरोजगार युवाओं और पुलिस के बीच हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने अब तक 13 लोगों पर कार्रवाई की है। इनके खिलाफ 307 समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बवाल की आशंका को देखते हुए दून में पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी और स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, कोई बवाल खड़ा ना हो, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस बल तैनात किया गया है अलग अलग हिस्सों में। हालांकि शहीद स्मारक पर ही युवा बैठे हुए हैं, वहीं पर वो नारेबाजी भी लगातार कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहीं पर डटे हुए हैं, जिनको साथ राज्य आंदोलनकारियों का लगातार मिल रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां भी कुछ यहाँ पर पहुंच रही है। जनपद में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन हमने सभी जगह फोर्स का व्यवस्थापन किया हुआ है और सभी अधिकारी कर्मचारी हमारे जो राउंड द क्लॉक मूवमेंट में हैं। कल जो FIR लॉन्च की गई थी उसमें धारा 307, 147 और 342, 327, 34 IPC, उसके साथ साथ जो है 3/4 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वो है। 13 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अभी तक ठीक है, सिचुएशन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अलर्ट हैं और हैंडल करने के बाद आज एहतियात के तरीके से और समूचे शहर में जो है 144 लागू की गई है और पूरे देहरादून जनपद में सभी जो उपजिला अधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी भारी पुलिस बल तैनात है और सतर्कता और सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है।
और अब अलग अलग जगहों की चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के युवाओं के विरोध के चार अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं। देख लीजिए, रुद्रपुर की तस्वीर है और रुड़की की तस्वीर है, साथ में उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पहले तो सिर्फ देहरादून, अब उसके बाद देखिए किस तरीके से शहर शहर बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। रुद्रपुर की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। रुड़की की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ मिल रहा है। उत्तरकाशी में भी युवा सड़कों पर उतरे हैं, कर्णप्रयाग में भी युवा और उनके अभिभावक भी सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। चार तस्वीरें। राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ के आंदोलन में युवा अब शहीद स्थल पहुंच गए हैं। शहीद स्थल पर नारेबाजी लगातार की जा रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को रिहा किए जाने की ये मांग कर रहे हैं। बुधवार को बॉबी पवार की गिरफ्तारी होती है, तब से ही ये माहौल गरमाना शुरू हुआ और लगातार यहाँ पर बैठे हुए युवा बॉबी पवार की रिहाई की मांग कर रहे हैं। देखो, डीएम ने कहा कि 5 लड़कियों का डेलीगेशन हमारे पास भेजो, हम उनके साथ जो हमारी मांगे हैं तो उस पर गौर किया जाएगा। सबसे पहली मांग तो हमारी है, जो हमारे साथी जो हमारे बॉबी पवार भाई है उनको रिहा किया जाए, जो उनके ऊपर धारा है वो हटा दी जाए। उसके बाद जो अभी नेक्स्ट में 12 तारीख को पेपर होने वाला उसको अभी रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी है कि CBI जाँच हो, इसीलिए आज धरने पर बैठे हैं कि हम तमाम हमारे साथ जो संगठन आए हैं तो हम उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं, आज इसलिए वो खड़े हो रखे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन आज भी जारी है और आज तमाम जो बेरोजगार युवा हैं वो शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। DM अभी इनसे बातचीत करने के लिए आई थी, 5 लोगों का डेलीगेशन DM से बातचीत करेगा, फिर शासन स्तर पर उनकी बातचीत की जाएगी। और अभी भी तमाम जो बार एसोसिएशन के लोग हैं वो इनको समर्थन देने पहुँचे थे, सभी ने समर्थन दे दिया। उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो फिर बार एसोसिएशन के लोग भी उनको समर्थन देंगे। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समर्थन देने आए हैं और आप देखेंगे तो देखिए हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। कल जिस ऐसे एक बर्बरता युवाओं के साथ की गई थी, लाठीचार्ज की गई थी, उसके बाद आक्रोशित हैं युवा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके जितने भी साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, खासकर जो उनके अध्यक्ष हैं बॉबी पवार उनको रिहा किया जाए, उनके साथ ही शासन स्तर पर बातचीत की जाए। उनका भी ये भी कहना है कि जो उनकी कल डिमांड थी कि CBI जाँच की जाए, जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, अभी भी वो इस बात पर अटल हैं। अभी भी उनका यह कहना है कि सरकार जब तक उनकी ये पूरी मांगे नहीं मानेंगी तब तक वो इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और यहाँ से भी वो तभी उठेंगे जब मुख्यमंत्री से उन्हें आश्वासन मिल जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। युवाओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि युवाओं के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय है। बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक भी है। वो अपनी न्याय की गुहार लगा रहे थे नौजवान, उत्तराखंड के नौजवान सरकार से अपनी बात को कहना चाहते थे और जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनको जेल में ठूसा जा रहा है और उनकी मांग जायज़ मांग थी। उन्होंने कहा इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, परीक्षाओं को पटवारी परीक्षा को स्थगित कर दें उन्होंने कहा। आखिरकार सरकार क्यों CBI जाँच से या सिटिंग जज की निगरानी में जाँच से बचना चाहती है, क्यों परीक्षाएं स्थगित नहीं करना चाहती है? क्योंकि जो पेपर बैंक था वो लीक हो गया है, उसके बावजूद भी सरकार परीक्षाएं करने पर उतारू है, हड़बड़ाहट में है, जल्दबाजी में है। युवाओं के प्रदर्शन पर अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा है कि सभी परीक्षाएं पारदर्शिता से की जा रही हैं और नकल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है प्रदेश में और ये प्रयास है कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिले और जो भी भर्ती की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शिता से हो। तो दोनों आयोग इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और पुलिस और STF ने जो जाँच की है उसके बाद जो भी दोषी व्यक्ति हैं वो सब जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोगों ने अनैतिक कार्य किए हैं, चाहे वो UKSSC में हो या पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनके खिलाफ तत्काल यहाँ पे कार्रवाई हुई है। पहली बार सरकार में इतनी तेज़ी से कार्रवाई हुई है, पहली बार पुलिस ने इतनी प्रभावी कार्रवाई यहाँ पर की है।
तो इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़े और जोशीमठ के संकट पर सबसे बड़े मंथन की बात करते हैं। आज पीएमओ में जोशीमठ के हालात पर बड़ी बैठक होने वाली है। पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में बुलाई गई है मीटिंग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देगा ब्यौरा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू भी वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए आज ये बैठक होने वाली है। अविनाश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। अविनाश, पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है, कितने बजे से मीटिंग शुरू होगी, क्या कुछ हो सकता है जोशीमठ के लिहाज से? अविनाश जी, देखिए अगर बात करें तो पहले 3 बजे सूचना आ रही है की बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें अगर बात करें प्रधानमंत्री के सलाहकार रहेंगे, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्य सचिव संधू रहेंगे, उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा के साथ साथ एनडीएमए के वो तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने भू आपदा को लेकर के जो शोध रिपोर्ट आई है उसको लेकर के उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। क्योंकि बीते शनिवार को अगर बात करें तो जो 8 संस्थान उन्होंने अपनी रिपोर्ट एनडीएमए को दी थी, जिसके बाद एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर भू दशाओं का कारण क्या रहा है और अभी स्थिति वहां से किस तरीके से, और आगे भू दशाव न हो इसको लेकर क्या कुछ उपाय किया जाए, इसी को लेकर के एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट तैयार किया जो आज प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष रखी जाएगी और बताया जाएगा कि क्या कुछ कारण रहा है भू दशाओं को लेकर के और आगे किस तरीके से वहां पे एहतियातन उपाय किया जाए जिससे कि भू दशाओं को रिकवर किया जा सके और आगे भू दशाओं न हो, इसी को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। ठीक है, 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। एनडीएमए अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और मंथन किया जाएगा किस तरीके से हालात यहाँ पर ठीक किए जाएं, सुचारू पूरी व्यवस्था इसको लेकर लगातार बैठक में मंथन होगा। शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए। पौड़ी से अगली खबर है। पौड़ी के मुख्य बाजार बस स्टेशन के पास कई दुकानों में दरारें आने की खबर है। व्यापारियों का कहना यह है कि बस स्टैंड के निर्माण की वजह से ये दरारें यहाँ पर आ रही हैं। दुकानदारों की माने तो बस अड्डे के ऊपर बसे आवासीय भवनों में सीवर की व्यवस्था नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से उनकी दुकानों में लगातार दरारें आती जा रही है। दरारें पड़ रही हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बस अड्डे की ये चौराहे वाली जो सड़क है ये भूमि दब रही है, और इसके दबने का जो मुख्य कारण है इसके धंसने का, एक तो गलत ढंग से बना हुआ बस अड्डा इसका सबसे प्रमुख कारण है, दूसरा सारे विकास मार्ग मोहल्ले का पानी कहीं भी नालियों में नहीं है, नालियाँ सारी सूखी हुई हैं, ये सारा पानी अंदर ही अंदर जमीन के नीचे समा रहा है। संबंध में ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ था, उस ज्ञापन को यो नगर पालिका स्तर पर या जो संबंधित कार्यदायी संस्था उनके लिए उनसे रिपोर्ट मांगी गई। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फ इस कदर गिरी है कि बद्री धाम में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो यहां फिर मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि फिलहाल बद्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। बर्फबारी की वजह से बद्री धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के काम भी पिछले 15 दिनों से बंद पड़े हुए हैं। देहरादून से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध लगातार यहां पर जारी है। बेरोजगार युवा लगातार नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। पंकज मेरे साथ ही लगातार बने हुए हैं। पंकज, मौके पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी मौजूद ये भी बताएं और क्या कह रहे हैं अभी युवा? दीपा, देखिए SSP और SDM और SS और अन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत हुई है। युवाओं की एक डेलीगेशन शासन स्तर पर उनकी बातचीत करने गया है, लेकिन मामला थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। इधर देखिए बाहर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो UKD के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच गए हैं और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि युवाओं के साथ जो लाठीचार्ज की गई थी, युवाओं पर जो लाठीचार्ज की गई थी उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए एक जाँच उसमें की जानी चाहिए। हालाँकि मुख्यमंत्री ने इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वो लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और देखिए बाहर पुलिस फोर्स तैनात है और इसके अंदर जो जहां पर आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं ये यहां शहीद स्मारक के बाहर जो गेट है वहां का नजारा है, और उसके बाहर अगर अंदर देखेंगे तो इधर की साइड में तमाम जो छात्र हैं संगठन के लोग हैं वो यहां बैठे हुए हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कल बॉबी पवार को जो गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई की जाए। एक छात्र हमारे साथ हैं, बताइए कि क्या आप कह रहे हैं, SSP ने क्या आपको कहा था और आप उनकी बात अभी फिलहाल क्यों नहीं मान रहे? सर, हम इसलिए नहीं मान रहे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी। सबसे हमारी पहले जो हमारी मुख्य मांग है सर, CBI जांच की, UK SSS UK PSC की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि सर इतने पेपरों में धांधली हो चुकी है सर, तो कौन सा पेपर ऐसा होगा जिसमें धांधली नहीं हुई है? और सर अभी तक UK SSS के जो सचिव है और परीक्षा नियंत्रक है सर, उनको हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।
इसके लिए तो आपका एक डेलीगेशन गया है ना शासन में बात करने के लिए, उनसे बातचीत हो रही है? बातचीत हो रही है सर, आप भी कवर कर रहे हैं सर, 6-7 महीनों से हम लोग सड़कों पर बैठे हैं सर। हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए था सर, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन सर हम सड़कों पे हैं अपनी मांगों को लेकर। हम भीख नहीं मांग रहे सर, हम लेटर नहीं लिख रहे। आपको ही लग रहा है कि थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी इसका हो रहा है, लोग आ रहे हैं इससे थोड़ा सा माहौल थोड़ा नहीं सर, लोगों से हमारी यही अपील है कि इसे पॉलिटिकल एंगल ना बनाया जाए। हमारी ये जायज मांग है सर, हमें एक पारदर्शी, हमें एक माहौल चाहिए सर पेपर के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जब इनका पढ़ने का पंकज जीवा कह रहे हैं कि इनको इस वक्त लाइब्रेरी में होना चाहिए था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के ये सड़कों पर उतरे हैं। और ईमानदारी से परीक्षा हो, बस इतनी सी इनकी मांग है, इस पर सरकार विचार करे तो ये यहाँ से हटने को तैयार है, युवा ये कह रहे हैं। शुक्रिया पंकज आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।